कि हम यहाँ मिले हैं छपाक की सॉन्ग लॉन्च के लिए, लेकिन साथ ही साथ छपाक के बारे में कुछ बात करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, एंड नॉट जस्ट फॉर अस बट ऑल्सो फॉर द टाइम्स वी लिव इन। आई पर्सनली फील दिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर एवरीवन हुज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। And finally, slowly and steadily, we are a week away. This entire journey of 1 year is coming to fruition. So it's a very special day for us. But today, छपाक के साथ साथ, we would also want to talk about the song that we will be sharing with the world today. So please, with a warm round of applause, please welcome the three women who've made छपाक possible. Meghna Gulzar ji, दीपिका पाडुकोन जी एंड लक्ष्मी अग्रवाल जी, प्लीज। Afternoon. Okay. Ji sir. Good afternoon everybody, and thank you so much for joining us this very special afternoon. Special isliye kyunki ye gana jo hum launch karne ja rahe hain wo is kahani ka jo I think it's the thread of the film, it's the soul of the film, and it really binds the entire narrative. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सो वी कैन नॉट वेट टू शेयर दिस सॉन्ग विथ ऑल ऑफ यू। बट मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मेरी दोस्त लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं आज, और फाइनली आई थिंक द मीडिया वॉज वेरी वेरी क्यूरियस। पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है, करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर। तो फाइनली लक्ष्मी इज विद अस। लक्ष्मी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया। नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस, और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है, एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड, एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें। थैंक यू दीपिका। टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी, और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फिल्म के रूप में बाहर आई। दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने, और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी. इस फिल्म में जिम्मेदारी है और भरोसा है, और दोनों को निभाना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए. जैसे विक्रांत ने कहा कि एक साल से हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही प्रेशस रहा है. 8 दिन बाकी हैं, इसके बाद हम हमारी मेहनत आपके सामने सौंपेंगे. उस मेहनत का एक हिस्सा आज आपको दिखाएंगे, जो हमारा टाइटल ट्रैक है, जिसका नाम है छपाक. उसको कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने, लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने, और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी विल प्रेजेंट आवर टाइटल सॉन्ग टू यू. मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म से वो सिर्फ यही याद रखेंगी कि ये उनकी जीत है, ये हमारा पूरा सफ़र, उनका पूरा सफ़र. हमारे हाथ में जो ये पूंजी है छपाक के नाम की, ये लक्ष्मी की जीत है, वो याद रखना ज़रूरी है. एसिड वायलेंस जैसे विषय पर एक फिल्म बनी है, उसमें गाने होना इमेजिन करना बहुत मुश्किल था, पर गाने हैं, रोमांस है, लव सॉन्ग है. और ये जो गाना है, ये जैसे दीपिका ने कहा, ये हमारी फिल्म का सोल है, रूह है हमारी फिल्म की. और आसान नहीं है कि इस तरह की फिल्म में कैसा म्यूज़िक दें. ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते, ज़्यादा उदास भी नहीं हो सकते. एक बहुत ही महीन बैलेंस कायम रखना ज़रूरी होता है. लव्स के तौर पे क्या लिखें जब आप एसिड अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ये सारे मुश्किल काम मैंने सौंपे शंकर एहसान लॉय. एहसान आज यहाँ नहीं है, एहसान वी मिस यू वेरी मच. और उन्हें, जिनके लव्स इस गाने में हैं, तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी. शंकर लॉय प्लीज़. विजय सिंह ऑफ फॉक्सटार स्टूडियोज़, who has supported Chapak. Foxstar Studios has supported Chapak wholeheartedly, single-mindedly. Vijay, if I could ask you to start with a few words, please. Friends on the media, firstly, I want to begin by thanking you. Pichle 3-4 haftoon mein aapne humko itna support diya hai. And truly from the center of hearts, from this entire team, thank you for that. The second thing I want to say is that, you know, in a lot of us have been working for some time, and I think it's a real privilege. And I honestly believe, aaj subah maine Deepika aur Meghna ko message kiya ki I think, you know, we are blessed because films like these, you can't put them together. They come together because of the right energy, the right people, and because the story needs to be told. And I think this is one of the rare gems that has come together in that way. The second is, I am truly blessed. मैं आपको इतना बता दूं कि बिकॉज इट्स अ सॉन्ग लॉन्च, कि गुलजार साहब के साथ एक बारी काम करना भी, यू नो, सबकी विश लिस्ट पे है. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. आई हैव वर्क्ड विद गुलजार साहब ऑन मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस इज सच अ स्पेशल रिलेशनशिप, एंड थैंक यू सो मच. मैं यहाँ एक तो इन तीन लड़कियों का मद्दा हो गया, बहुत बड़ा एडमायर करने की ज़रूरत है. इन तीन लड़कियों ने बड़े कमाल किया है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली एक फिल्म नज़र नहीं आ रही है, ये पूरी की पूरी एक, उर्दू में कहते हैं तहरीक है, अंग्रेज़ी में कहते हैं मूवमेंट. इट्स अ मूवमेंट इन द सोसाइटी. और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए जो तीन प्रोड्यूसरों के नाम लिखे हैं, ये तीनों भी कमाल हैं, जिसमें मैं विजय जी शामिल हैं, और गोविंद इस वक्त नहीं है हमारे साथ, एहसान नहीं है, लेकिन एक और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, जिसमें इन तीनों की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने ये इरादा किया
कि नहीं ये बात कहनी है, ये सिर्फ खेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये कोई बात है जो उन्हें कहनी है, जन समाज को कहनी है, लोगों से कहनी है और पहुंचानी है ये बात वहाँ तक। इन तीनों की बड़ी हिम्मत है इसमें, और परफॉर्मर्स आप जानते हैं, एंड लक्ष्मी जहाँ से कि ये रोशनी उगी, ये पैदा हुई, और शुक्र है कि बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कहा मेघना ने अभी कि इसमें कहाँ गुंजाइश थी म्यूज़िक की या गाने की, नहीं ये 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 म्यूज़िक ज़िंदगी का म्यूज़िक है जो बहुत ज़्यादा अहम है, उस म्यूज़िक से उस संगीत को जो आप रोज़ सुनते हैं, ज़िंदगी का संगीत है, इट हैज़ टू विन फाइनली, ये यहीं पे आके विक्ट्री है। एंड थैंक्स टू लक्ष्मी वंस अगेन फॉर दैट, कि ये उसकी मुस्कुराहट से पैदा हुई है ये रोशनी और चली आई है, समाज तक गई है, जो बहुत ही ज़रूरी है। बस इतनी सी ही बात है जो मेरा ख्याल है बहुत खूबी से कही है, और शंकर एहसान लॉय इन लोगों ने तो रिदम दे दिया ज़िंदगी को, उसी ज़िंदगी को जो हमें एक जगह लगा कि सुकड़ गई या बंद हो गई या मुट्ठी में हो गई या जो छपाक से जला दी किसी ने, उसको एक तहरीक बना दिया, एक मूवमेंट बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो नॉर्मली वी डू म्यूजिक फॉर सो मेनी फिल्म्स, बट फिल्म्स लाइक दीज व्हेन दे कम टू यू, यू रियली लुक अप एंड यू थैंक गॉड दैट यू नो डूइंग वन फिल्म लाइक दिस इज इक्विवेलेंट टू डूइंग 20 films, the effect, the kind of impact that it has on everybody, and you know, to use music as a tool to communicate the message. See, this film is, it's not about box office, it's not about commercial success, it's not about, it's way, way, way above all these things. So you know, just me, Ehsaan and Loy, Gulzar Saab, being associated with this amazing, amazing, amazing team. Really, thank you so much. This is just, when we look back at the end of our career, we will, you know, we'll see that this is one, you know, gemstone, Kohinoor, which is there in our lives that we were part of. So, you know, really thank you, Meghna, for making this happen. Can't say anything more, really. You don't say anything more, Shankar, you sing now. Okay. I would really request Shankar to sing a few lines of our song, please. Yeah, you know, when you're asked to do the title song for a film like this, it's a very delicate situation, sitting with Gulzar Saab, and you know, whether you have to do something that is so surreal that people don't understand anything, or if you do something very, very superficial, then it just doesn't, you know, reach out to the cause. So you have to maintain a very, very thin line and try to come out with something. Koshish kiya hai humne, and just being with the master in the same room, that itself is the biggest blessing for us. And what can I say about Deepika? She is the vehicle of this cause. She's taken this cause and she's reached out to crores and crores of people which otherwise wouldn't have possibly. It's only because of Deepika that is reaching out to crores and crores of people. So thank you, Deepika. Thank you so much. Thank you. So just 3-4 lines of the song. एक पल तो था यहाँ, एक पल में बस गया, एक नजर की आग से एक जहाँ झुलस गया, एक जहाँ झुलस गया, सब 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 झुलस गया, कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के, चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया, एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से
पहचान ले गया ना चाह ना चाह कोई ना कोई ऐसा वादा ना चाह ना चाह कोई ना कोई ऐसा वादा हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींट उड़ा के जो गया छपाक से पहचान ले गया एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा जैसे धूप को ग्रहण लग गया छपाक से पहचान ले गया थैंक यू लॉय कैन आई रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स प्लीज You know, Lakshmi is the trigger, and you can see synchronicity at work out here because this is the beginning of the wave, and I hope it does and achieves what it's supposed to do. That's all. Thank you so much. I'll now open it up to questions. Deepika ma'am, your center, Rahul here from the Filmi Charcha. Deepika ji, aapse Meghna ma'am aur Vikrant sir tino se sawal tha. Sabse pehle to gaane ki baat kar rahe, jis tarah kamal ke lyrics hain, painful hai, us tarah visual bhi kamal ke hain. To isme aapne na pasand karne ki koi wajah nahi chhodi hai isme aapne. To congratulations to all of you, kyunki is film ko censor board ne U certificate diya hai. ये कोई नई बात नहीं इससे पहले भी आपकी फिल्मों को यू सर्टिफिकेट मिला होगा बट खास बात तो ये है कि इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने बिना कट किए कोई सीन पास किया है तो आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है दीपिका मैम और मेघना मैम और विक्रांत सर आई विल अलाउ मेघना मैम टू टेक दिस आंसर प्लीज ये एक्चुअली छपाक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था क्योंकि इस फिल्म की परसेप्शन ऐसी होती है कि क्रूड होगी या ग्राफिक होगी या हैवी होगी तो शायद बच्चों के लिए लायक ना हो या युवा लोगों के लिए लायक ना हो लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया जो आज तक मेरी किसी फिल्म को नहीं मिला है सबको यूए मिला है विथ नो कट्स ये पहली फिल्म है जिसको यू मिला है विथ नो कट्स और इसके लिए हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये कहानी जितनी दूर तक पहुँचे उतना ज़रूरी नेचुरली हम सब बहुत खुश हैं और हमें बहुत खुशी है कि आपने कहा कि नापसंद करने के लिए इस गाने में और इसके विजुअल्स में कुछ है नहीं हम सब की उम्मीद ये है कि आप फिल्म के बारे में भी यही सोचेंगे विकांत सर मेघना जी दीपिका शंकर एहसान लॉय सबके लिए सबसे पहले ये जो गाना था इस गाने के बाद आप लोग इमोशनल हुए हम सभी लोग गला चोक हो गया और ऐसे लगा कि छपाक से बेहतर कोई शब्द ही नहीं हो सकता एक शब्द में इतनी सारी बातें इतना इमोशन एक पूरी कहानी एक पूरी जिंदगी तो बहुत बहुत बधाई और आई रियली विश कि ये गाना सब तक पहुँचे और बहुत सक्सेसफुल हो मेरा सवाल लक्ष्मी से है लक्ष्मी इस गाने को सुनकर आप दो लाइनें कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि ये आपकी कहानी है गाने में जैसे मैंने जब गाना भी सुना सीरियसली मेरी आँख से जब से आंसू नहीं रुक रहे हैं और मैं एक ही चीज़ फील कर रही थी जब से कि काश मेरे पापा यहाँ होते तो काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू मेघना मैम थैंक यू सो मच दीपिका ये गाना आपके लिए इमोशनल जर्नी है क्योंकि लक्ष्मी कहानी कहीं ना कहीं मेरे लिए लक्ष्मी मालती और दीपिका एक शब्द हो गए हैं जब से मैंने प्रोमो देखा है तो आपकी नजरों में इस गाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आई जस्ट वांट टू शेयर एन एनेक्डोट लास्ट कपल ऑफ डेज वी बीन स्पेंडिंग सो मच टाइम विद ईच अदर एंड शी कॉल्स मी लक्ष्मी समटाइम्स एंड आई कॉल हर मालती समटाइम्स इट जस्ट बिकम लाइक वन सॉरी आपका सवाल क्या था ये तीनों शब्द लक्ष्मी मालती दीपिका एक किरदार हो गए हैं जब से पहला ट्रेलर का आपने अनाउंसमेंट किया मैंने अपने रिव्यू में मालती अग्रवाल कह दिया था मेरे दो जो बार कैरेक्टर का नाम ना, है एक्चुअली मालती अग्रवाल कैरेक्टर का नाम मतलब वो लक्ष्मी तो मिक्स हो गया तो आपके लिए ये गाना आपके लिए गाना और गाने के इमोशंस कहानी के लिए किस तरह चूंकि गाने का लॉन्च है तो गाना कहानी के इमोशंस से मिलता जुलता और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे यही कि एक्चुअली मैं और एक एनेक्डोट एक शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल पहले कुछ और ही था
It was Gandhak. Gandhak. And I think during the process, Meghna ma'am ne decide kiya ki humko ye... Meghna ma'am kaun hai? Meghna Gulzar ji. इस टाइटल को चेंज करना चाहते थे और उन्होंने मुझे कॉल किया एक दिन एंड आई सेड क्यों चेंज करना चाहते हो, मतलब गंधक मतलब सबको पता चलेगा कि क्या है, सबको समझ आएगी. एंड शी सेड यू नो आई वांट द टाइटल ऑफ द मूवी, आई वांट टू यूज़ द टाइटल ऑफ द मूवी इन अ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग बिकम्स द सोल ऑफ द सॉन्ग, इट बिकम्स द थ्रेड, इट बिकम्स द ओवरआर्चिंग थीम दैट काइंड ऑफ जस्ट बाइंड्स द होल फिल्म टुगेदर. And Chapak. Honestly, if I may be honest, I didn't have faith in the title when we, or inko ye pata hai. I was like, ha, okay, yeah, whatever. I mean, you're the director, you decide. But I think it grew on me eventually. And today I can see her vision. Today I can understand ki wo aise kyun soch rahi thi aur kyun chahti thi wo shabd. Bas, I think for your part of your question, I think. जैसे मैंने कहा, इफ लक्ष्मी कॉल्स मी लक्ष्मी और इफ आई कॉल माय कैरेक्टर मालती, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले दिन जब हम सेट पे थे एंड लक्ष्मी केम टू द शूट एंड शी वॉक्ड इन, और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि एक एक्टर के लिए आई थिंक द पर्सन दैट यू आर प्लेइंग ऑन स्क्रीन उनका वैलिडेशन मिलना बहुत ज़रूरी है. ऑडियंस का तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस का वैलिडेशन सेकेंडरी होता है, सबसे पहले ये होता है कि जिसको आप पर्दे पर आप निभा रहे हो, आई थिंक देयर हर वैलिडेशन फॉर मी वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और वो आई सेट पे एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड माय गॉड यू लुक एग्जैक्टली लाइक मी एंड आई फील लाइक आई एम लुकिंग एट माय सेल्फ इन द मिरर, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद को देख रही हूँ. एक एक्टर के लिए इससे बड़ा वैलिडेशन हो ही नहीं सकता. तो या I actually just want to say one thing, talking about the title of the film. मैंने बहुत मुश्किल लफ्ज़ दिए हैं पापा को कि अब आप ये लीजिए और ये गाने में आना चाहिए. और छपाक भी एक और ऐसा लफ्ज़ था. Do you want to say something about the experience of? मतलब आसान काम तो वैसे भी आपने कभी नहीं दिया. कोई एक काम और खुद भी कोई आसान काम किया नहीं आपने. जो काम किए हैं वो मुश्किल काम ही किए हैं. पहले भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी कि छपाक का जो इम्पैक्ट है, मैंने बिल्कुल यही कहा था कि इसका जो इम्पैक्ट है मैं उसके बारे में आपको लाइन देता हूँ. वो लाइन जैसे वो तो ज़रूर देंगे आप और ज़रूरी चाहिए, लेकिन आप कुछ छपाक इस्तेमाल करना है तो मैंने छपाक मेरे मीटर में नहीं आता. कहने लगी वो शंकर के मीटर में आ जाएगा, आप शंकर को दे दीजिए. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. एंड शंकर सेड आई विल फिट इन, आप मुझे बाकी लाइन बनाएगी वो बताइए. एंड दैट इज हाउ वी हैड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर. एंड ऑल आई हैड टू डू इज कि मैं वो उतनी स्पेस लाइन में दे दूँ जिसमें वो छपाक बोल सकें. तो लेकिन जिस तरह से छपाक इस्तेमाल हुआ उसके बाद वाकई मुझे भी लगा कि एक तो अनयूजुअल टाइटल तो है ही, बहुत गैर आम नहीं है आम तरह का, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ जो एक एक साउंड का इफ़ेक्ट आता है साथ में, कि सिर्फ एक साउंड सिर्फ एक आवाज़ भी अपने आप में गाना मुकम्मल कर सकते हैं, दैट इज़ शंकर. हेलो टीम छपाक, कंग्रेचुलेशन, अ बिग कंग्रेचुलेशन. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन. ऐसा होता है कि ट्रेलर और गाने देखने के बाद वन नीड्स टू क्लैप, मतलब ऐसा लगता है कि खुशी से यहाँ वी आर मूव्ड बट वी कांट क्लैप बिकॉज इट इज सो मूविंग. जस्ट एज राइटली सेड बाय गुलजार साहब, इट्स अ मूवमेंट. सो मेरा सवाल पहले लक्ष्मी जी आपसे है, वॉट वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता लगा दैट योर स्टोरी हैज बीन अडैप्टेड एंड दीपिका इज प्लेइंग योर कैरेक्टर? मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम. और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फ़र्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी. ये था. और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी, कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में, और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा, क्योंकि जब आप
बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से, तब लगता है. तो मुझे ऐसा लगा जब मैं, जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है. सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका. हेलो ऑल. गुलजार साहब, गुलजार साहब आदाब. आपका मुझे, माई नेम इज़ आतिका फारूकी, आई एम हियर फ्रॉम कलर्स. आपका ये जो गाना मैंने देखा तो मुझे आपकी पहली फिल्म बंदनी का वो गाना याद आ गया जो आपने लिखा था कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे. और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के 60 साल हमें दिए फिल्मों के ज़रिए. और इन 60 सालों में जब ऐसी फिल्में बन रही थी जिसमें नायिका की खूबसूरती की बात हो रही थी, आपने उनकी कभी कभी ज़िंदगी की जो बदसूरतियाँ हैं उनके बारे में बात की. मौसम फिल्मों में आपने सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की, आंधी फिल्म में आपने उन औरतों के बारे में बात की जिन्हें समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटिकल पॉलिटी का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ महज एक औरत हैं. इंग्लिश में एक कहावत है, हैंडसम इज़ हु हैंडसम डज. लेकिन जब औरतों की बात आती है फिल्मों में, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजय ऑल्सो कि फॉक्स स्टार ने एक ऐसी फिल्म को इस लायक समझा कि ये बड़े पैमाने पे कमर्शियली इसको रिलीज़ किया जाए. गुलजार साहब, जब फिल्मों में औरतों की बात आती है तो उनका चेहरा कैसा दिखता है, और उनका चेहरा और ख़ूबसूरत होके ही दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर, इस पर हमेशा एक जोर रहता है. आज के तारीख में जब वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी बहुत सी आम औरतों की कहानियाँ पर्दे पर आती हैं जिनके चेहरे बड़े आम हैं, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे चेहरे हमको नहीं दिखते जैसे नूतन के होते थे, नरगिस का जो चेहरा होता था एक आम सा चेहरा. हमारी इंडस्ट्री या हम लोग आज भी फिल्में देखने वाले बनाने वाले खूबसूरती पे इतना फिक्सेटेड क्यों हैं? आपने 60 साल देखे हैं, आप बेहतर बता पाएंगे. और मैं अपने चैट शो के ज़रिए आपसे इसी टॉपिक पर और बात करना चाहूँगी, लेकिन ये खूबसूरती से क्या ऑब्सेशन है सिनेमा का? आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया, मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं कहता अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछती कि आप औरत की जर्नी, औरत के सफ़र को अपने शुरुआत से मुरागोरा अंग लेले से लेके छपाक तक कैसे देखते हैं, तो मैं ये सारे जवाब देता जो आपने कहे और मैं उनके साथ साथ चलता रहा हूँ. और ये सही है कि मैं अपनी फिल्मों के दौर में भी और लिखने के दौर में भी, अगर आप शुरू से देखें तो मेरी फिल्में कहीं ना कहीं वो स्त्री के लिए हैं, वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वही सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरी सारी फिल्मों में वो रहे हैं. बल्कि हरी भाई संजीव शिकायत किया करते थे कि हर बात तुम कहते हो कि ये मेरी फिल्म है, ये निकलती हीरोइन की, एक बार आंधी में निकल आई उसमें तरफ से खुशबू में निकल आई. फीमेल ओरिएंटेड डायरेक्टर नहीं बोलता लेकिन क्यों? क्या जी? सॉरी टू डाइग्रेस. हाँ जी प्लीज. बहरहाल तो अब ये कहूँ कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके साथ चल रहा हूँ, या उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी कि जरा मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ. और मैं उनकी दास्तान बड़े गौर से सुनता चला आया हूँ और शुक्र है कि मैं लक्ष्मी तक अभी तक सही तौर पे सफ़र करता हुआ आया हूँ. मोरा गोरा अंग ले ले से मेरा चेहरा उड़ा के चला गया, मिटा के चला गया, वहाँ तक आया हूँ. तो मेरा ख्याल है आपसे दाद चाहिए इस समय. Hi Deepika, Neeru here. Hi. Actually my question is for Gulzar sahab. You know, हम सबको पता है कि बेटियाँ जो हैं वो blessings होती हैं, और जब वो कुछ अचीव करती हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो दर्द से गुजरती हैं तो माँ बाप को उतनी ही तकलीफ होती है. जब आप लिख रहे थे ये गाना, क्या आप उस दर्द को महसूस कर पाए जब बेटी ने आपको दिया था एक तरफ और दूसरी तरफ एक बेटी की कहानी थी? समझा नहीं सवाल है, जरा एक दफा मैं आप समझिए सवाल. किसका दर्द महसूस किया? बेटियों का. जी हाँ, वो दर्द बेटियों के बारे में जरा सा आदमी ज्यादा
कंसर्न्ड रहता है बेटों से, कि बेटों का अक्सर लगता है जिस तरह से समाज हमारा चला है वो अपने आप को संभाल लेंगे, बेटियों को कौन संभालेगा, मेरी बेटियों को कौन, उनकी हिफाजत ज़्यादा करता हूँ मैं, ज़्यादा ही कंसर्न रहा हूँ, और मेरी तो एक ही एक बेटी थी, जाहिर है कि सारा नहीं, अभी आपकी तीन हैं स्टेज पे, अब बहुत सी हैं, अब तो आप भी उनमें शामिल हैं, अब तो बहुत सी हैं, लेकिन ये कि ये बेटियाँ अब आगे आ गई हैं, वो बड़ी तसल्ली हुई है कि वो अब मुझे उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे संभाल रही हैं, वो बेटियाँ वो समाज में कंधा मिला के लड़कों के साथ रोल प्ले कर रही हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ कहीं कोई टेक्नीशियन एक लड़की नहीं मिलती थी सिवाय कहीं हेयर ड्रेसर में अगर नज़र आ जाए, वरना आज टुडे दे आर डायरेक्टर, दे आर राइटर्स, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर, और मेन कैरेक्टर्स लड़कियाँ कर रही हैं। आई थिंक इट्स अ बिग प्रोसेस। आज वो बेटी या वो माँ जिससे हम बात किया करते थे, वो अधूरी सी इंग्लिश में, तेरी गर्ल फ्रेंड आई थी, तेरी फोर, वो सही अंग्रेजी बोलती हैं और कारें चलाती हैं और काम करती हैं, वरना हमारे यहाँ हीरोइन को सिर्फ रख दिया जाता था और घुमाया जाता था और गानों में इस्तेमाल किया जाता था, आज वो नहीं है। ये बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा सफ़र है और बहुत आगे आया है। टुडे दे आर लीडिंग, एंड इसलिए उन बेटियों का कंसर्न है, दर्द कम हो गया है लेकिन जाती दर्द ख़त्म नहीं हुए, ये समाज के दर्द हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, जो उनका सेट ऑफ माइंड, जो माइंड सेट है, जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटी को इस तरह से देखो, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से बड़ा करो। और ये छपाक जिस तरह से आपने देखी है, मैं कहूँ अगर आपसे इजाज़त हो तो आपको अर्ज़ करूँ ये कि ये जो जिसे मैं तहरीक कह रहा था, मूवमेंट कह रहा था, ये मूवमेंट अब आपकी है, आपको पहुंचाना है और देखना है कि आपके वतन में, आपके देश में लड़की की पोजीशन सामने और आगाही में नज़र आनी चाहिए। हेलो ऑल, दीपिका जी, नीलिमा कुलकर्णी हियर। शंकर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि ये फिल्म भी है, कि ये ट्रेजेडी नहीं है, ये एक होप है, एक मूवमेंट है, और ये गाना भी ट्रैजिक सॉन्ग नहीं लग रहा है, उसमें कुछ आशा है, कुछ होप है, कुछ उम्मीद है, तो धुन बनाते वक्त आपके ख्याल थोड़े से जानना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, और जब ऐसे चैलेंजेस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो यू नो वी रियली फील, जो ग्रेटिफिकेशन मिलता है व्हेन वी इवेंचुअली लिसन टू द सॉन्ग दैट वी हैव डन टुगेदर, तो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो हमने म्यूजिक इज, वी आर यूजिंग म्यूजिक नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, यू नो एंटरटेनमेंट तो होता ही है, बट उसके साथ साथ इफ यू यूज इट फॉर अ बिगर कॉज, अ लार्जर कॉज, वी आर एबल टू एड्रेस बिगर इशूज लाइक दिस। एट द सेम टाइम अगर ये गाना एज एन ऑडियो, अभी देखिए इनका मास्टरी, दिस इज वॉट इज कॉल्ड मास्टरी। अब देखिए एक ही लाइन में ही इज जस्टिफाइड द एंटायर फिल्म, छपाक से पहचान ले गया, इट्स ओवर, फिल्म इज ऑल अबाउट, सो दैट इज अ मास्टर्स वर्क, यू नो। एंड हम लोगों ने बस कुछ कोशिश की है धुन दे के, एंड वी हैव डन, वी हैव ट्राइड टू डू अ बिट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट आई होप द पीपल लाइक दिस सॉन्ग, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक इट ऑडियो फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गाना बना रहे हैं कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है, इट जस्ट पासिस ऑफ एज अ बैकग्राउंड सॉन्ग, और इट जस्ट पासिस ऑफ एज अ सॉन्ग दैट गोज अननोटिस, बिकॉज जितना आप लोग मेहनत करते हैं उतना नोटिस होना भी बहुत जरूरी है आज की तारीख में। सो वी ट्राई टू मेक अ सॉन्ग विच यू नो यू कैन ऑल्सो हम एट द सेम टाइम यू कैन रिलेट टू द कॉज, सो इट्स लाइक वॉकिंग अ वेरी थिन लाइन। दीपिका जी, योर सेंटर, दीपिका जी, कुछ फिल्म के किरदार ऐसे होते हैं जो एक्टर के जहन में इस तरह समा जाता है कि जिंदगी भर उनके दिल के करीब रहता है, तो इस फिल्म के लिए कौन सा पल ऐसा था जो जिंदगी भर आपके दिल के करीब रहेगा, और इस फिल्म के लिए क्या ऐसा स्पेशल आपको कॉम्प्लीमेंट मिला जो आज तक आपके करियर में नहीं मिला? फिल्म तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, पर मैं इस पूरी जर्नी को कहूंगी, आई डोंट थिंक देयर हैज बीन वन मोमेंट और वन ऐसा एक सीन, आई थिंक द एंटायर जर्नी एंड द एंटायर प्रोसेस हैज बीन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग, एंड इफ आई मे से इट्स द फिल्म दैट आई हैव डन इन माई करियर दैट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ
अभी क्या होगा, फिल्म रिलीज़ होगी 10 को, लोग क्या कहेंगे, वो अलग बात है. पर आई थिंक द फैक्ट कि वी अटेम्प्टेड दिस फिल्म, कि हमने ये फिल्म बनाई टू बिगिन विथ, आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम प्राउड दैट दिस एंटायर टीम सिटिंग हियर हैड फेथ इन मेघनाज विजन. एंड आई थिंक जो लोग कह रहे हैं यही है कि हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. जो मैं रिस्क नहीं मानती, आई डोंट थिंक ऑफ दिस एज अ रिस्क, आई जस्ट थिंक इट्स अ वेरी ऑनेस्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, ये जो हम चीज़ कह रहे हैं वो बहुत ही एक, इट्स जस्ट बिन वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मेघना गुलजार एक बहुत ही, मतलब देयर वॉज नो ट्रिक्स एंड गेम्स. It is something that she has lived with, a story that she has lived with for so many years. As a human being, as a person, as a director, she was ready to tell this story. ये कहानी बताना चाहती थी. She came to me with it, और instantly मैंने हाँ कह दिया. So there's been no overthinking, over processing. I think जो भी हम सब ने किया है, बहुत instantly किया है, बहुत instinctively किया है, बहुत दिल से किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी जब आप देखेंगे इस फिल्म को उसी तरह रिसीव करें जिस तरह से हमने इस फिल्म को बनाया है. या हाय, दिस इज प्रथमेश फ्रॉम latestly.com. ऑन योर राइट लेफ्ट, या या या, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सॉन्ग. यू गाइज हैव हिट द राइट नोट्स विजुअली, ऑडियो वाइज, एज वेल एज इमोशनली. एस्पेशली द वर्ड छपाक, द वे इट हैज बीन यूज in one single instance, in one single swift stroke, how the life of a person is changed dramatically is what this song conveys. But do you have a line or two or a song in the film that also reflects upon the positivity of life, the hope of life, the light of life? Wait for it, watch this space. I will. There's sure more will. To come. Absolutely. We have one more song. Our album has 3 songs. Wait for the third. We'll take the last question. Yeah. मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ गुलजार जी से कि हालांकि मैंने आपसे बात की थी, तो ये जो मतलब मूवमेंट है और इस तरीके की जो घटनाएँ घटती है वो आज भी घटती है, लेकिन इन चीज़ों को कम करने के लिए ये फिल्म तो है ही, साथ में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ें कम हो, और ये एग्रेशन और इम्पेशन के जो लोगों का आजकल जो इतना बढ़ा है वो कम कैसे किया जाए और इसको कम कैसे हो, इस तरीके की घटना. मैं चाहती हूँ कि आप ही ये सवाल का जवाब दें. ये एक्चुअली जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जवाब हर इंडिविजुअल के अंदर इसका जवाब होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे ढूंढ के पाना ज़रूरी है, तब जाके सोसाइटी बदलेगी. एक एक इंसान से बदलती है. सिर्फ एक इंसान जो डायस पे बैठा है, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो उनके सामने बैठ के उनको देख रहे हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है. ये तेजाब आजकल आसानी से, जैसा आपने बोला, मिलता है, ये बहुत सही, मैं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को कम कैसे किया जा सकेगा, कैसे इसमें पाबंदी होगी ताकि वो न मिले. उसके लिए आप फिल्म देखिए. नहीं, फिल्म तो हम देखेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि मैं ये कहना चाहूँगी मैम कि हमारी ना ये जगह है ना ये हैसियत है कि हम इन चीज़ों का समाधान कर सकें या इनकी सॉल्यूशंस निकाल सकें. हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम इन पे एटलीस्ट चर्चा शुरू करें कि समाधान हो. इस फिल्म की कोशिश यही है. Can I just add one more comment from our side? I think इसीलिए आप सबका हमको support चाहिए, because I think in today's society, मेरे हिसाब से, it is a responsibility of every one of our people in this room. We must bring our boys up right. You know, we need to understand कि हमको हर घर में वो जो संस्कार की बात होती है, जो सिखाना पड़ता है बच्चों को, especially boys को, we need to teach them and make our boys right. You know, it's a very, very important task. Vikrant, I have a question for you. Vikrant, in a film like this where we have female protagonists and a central character, for a character like you, how much is the space
not in the screen space terminology, but what exactly can you add up, considering we just, is it a second narrative or is it just her narrative you're helping us? I'm sorry, I'm going to take this again. Yeah, this film would not be made, this film would not be possible if Vikrant was not a part of this film, if this character was not a part of this film. You must understand, and I said this during our trailer launch also, that Chapak has a face. And that face also needs a mirror. So that's the face, and that's the mirror. Without which, Chapak would be incomplete. I think they've answered the question. Yeah. Vikrant, how sidelined do you feel in this film? Let's put it that way. Not at all. I'm extremely Please proud to be... Please give up breaking news. Breaking news? Headline. Vikrant storms off the music lunch. Shankar ji, will you be also singing for the film? Tell us more about the songs, other songs. Sorry, come again, sir. आपकी आवाज भी हम सुनने को मिलेगी इस फिल्म में? No, no. मेरा वो जो आप आलाप वगैरह सुन रहे थे ना? जी जी. That is my voice, but we were very happy to have, I think, one of the most promising, I wouldn't say promising, the most talented singer who's going to remain in this industry for a very long time, and who's got depth in his voice, who's got musical knowledge in his voice, and that's Arijit Singh. And he sung this title. And of course, the love song, which is no joke, that is sung by my son, Siddharth Mahadevan. Also another very promising singer who has music in his soul. And it is actually like Shankar sir, when he sings the scratch of the song and then Siddharth sang it, it was, you could feel Shankar sir's presence in his singing, which is commendable. Really. I actually have to say one more thing about our album, and I think it's something that's happened coincidentally, but Chapak film hai, ek female protagonist ki kahani hai, usme teen gaane hai, aur teeno gaane male playback singers ne gaya hai. We don't have a female playback song in this film, which is a coincidence, but as it turns out, it's something I feel very proud of. Yeah. Thank you guys. आपको भूख लगी है क्या भाई? आपका सवाल कुछ नहीं है तो डायरेक्ट पूछिए, इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है. सवाल समझ में नहीं आया वैसे. उनको माइक दे दो ना. माइक जी, लास्ट क्वेश्चन एंड देन फोटो. विक्रांत जी, मेरा सवाल ये था कि आपने कमाल का काम किया दीपिका जी के साथ, और दीपिका जी प्रोड्यूसर भी है फिल्म के, और देखा जाए तो रणवीर सर भी एक तरह से प्रोड्यूसर, क्योंकि घर का पैसा लगा हुआ है. एक्सक्यूज मी, ये किसने बोला? हाँ, ये अज्यूम करना बिल्कुल गलत है. ये मेरे खुद के पैसे हैं. एक्सक्यूज मी. तो रणवीर सर से क्या कॉम्प्लीमेंट है? आपका सवाल हो गया सर. तो आपका रणवीर सर से क्या कॉम्प्लीमेंट कुछ मिला इस फिल्म करने के बाद? कुछ मिला होगा कि आपने कमाल का काम किया मेरी वाइफ के साथ? अभी हम फिल्म रिलीज होने वाली है. अभी हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं. यार भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ दे दो अभी. पर वो फिल्म देखेंगे ना पहले, फिर कॉम्प्लीमेंट देंगे ना. ट्रेलर में भी पता चल गया होगा उनको कमाल का काम किया इन्होंने. सर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. ट्रेलर देख के उन्होंने काफी अच्छी चीजें कही, पर लेकिन बात यह है कि अभी फिल्म में 8 दिन बाकी है, वो फिल्म के बाद क्या कहते हैं वो ज्यादा मायने रखता है. आपके लिए एक सवाल है, रणवीर आपके दोस्त हैं या मैं आपकी दोस्त हूँ? ये सवाल, ये मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली पता, किसी ने पूछा था ये सवाल. यस, मैं ये कहूँगा कि रणवीर मेरी दोस्त के हस्बैंड हैं, दीपिका के हस्बैंड हैं. या सो योर क्लोज फ्रेंड टुडे आई थिंक. थैंक यू गाइस.